तेरी बिटिया है ना नानरी रू बरना बिल्कुल बूढ़ो अरे गिर गए ना नानरी रू बरना बिल्कुल बूढ़ो पर ना जानी का देख के भोले बाबा को ढूंढो मैया जय कुमार मिले अते ब्याह करना को और ये कह दो कि भोले बाबा से शादी नहीं होगी तो मैं ना बोली तो क्या हुआ हैं अभी बारात ही तो आई है शादी हुई थोड़ी है हम बारात वापस भेज देंगे शादी करेंगे ही नहीं हेमांचल को बुलाया महाराज इधर आओ पता नहीं ये देवता लोग कौन से जन्म का ताव निकाल रहे हैं पता नहीं ये देवता लोग कौन सा बैर निभा रहे हैं कह दो नारद से ये अपनी बारात वापस ले जाए मैं अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से हरगिज नहीं करूं तो हेमांचल बोले मैं ना एक बात मेरी सुनो दरवाजे पे किसी को बुला करके किसी की बेइज्जती करना ठीक थोड़ी अरे जैसे भी है जो भी है शादी कर दो बोले नहीं मर जाऊं लेकिन शंकर जी से बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूंगी महाराज क्योंकि बात यह है ना कि मैं जानबूझ के गिरिजा को जीवन भर नहीं उड़ाऊंगी मर जाऊंगी अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी शंकर जी से होती आंखों से नहीं देखूंगी अगर तुमने जिद ज्यादा ठानी तो मैं भी मरूंगी अपनी बेटी की भी जान से मार दूंगी लेकिन भोले बाबा से शादी हरगिज नहीं करूंगा समझ गए हेमांचल के बात बिगड़ी गई अब नहीं मानेगी तो नारद के पास गए और नारद से बोले भैया नारद हमारी तो घर में कोई चल नहीं रही अगर तुम्हारी चल जाए तो तुम ही समझाओ और न माने तो भैया मजबूरी है बारात वापस ले जाओ तो नारद ने सोचा बड़ा मुसीबत बात बनी अब बात बिगड़ी जा रही है अब नारद भाग क्योंकि मजिया बने हैं नारद और मजिया की बड़ा खेचाता नहीं होती है श्रोता विवाह में बारात वाले तो आराम से रहते हैं लड़के वाले भी आराम से रहते हैं और लड़का को तो बहू मिलनी है वो तो आराम में है ही लेकिन मजिया की बहुत परेशानी होती है कराई होगी शादी आप लोगों ने किसी ने अगर शादी करा तो बड़ा भाव भाई फिर तो मन में ये आता है कि अब कैसे ये बीमारी कटे आज के बाद जिंदगी हम करेंगे कब होगा तो मजिया की बहुत बड़ा मुसीबत होती तो नारद गए बात बिगड़ रही है तो नारद मैना से जाके मिले जो मैना ने नारद को आता हुआ देखा तो मैना चीखने चिल्लाने लगी नारद खड़े हो जा भाई घर के अंदर नहीं घुसो तुम्हारी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है नारद पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे तुम पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे तुम भोले बाबा से शादी कराके हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे तुम ले जा बरा शादी नहीं होगी तो नारद जी बोले मैं ना चिल्ला काई को रही हूं भैया
चिल्ला काहे को रही, अरे शादी नहीं करनी है मत करो, बेटी तुम्हारी है। आप भैया शादी की कराने की बात रही तो हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई हमने अपनी शादी नहीं कर पाई तो हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे। लेकिन एक बात कहे मैं ना, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी हमें पसंद नहीं है, गलत लगती है। हाँ तो एक बार गलत ही बात सुन लो कहो, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहोगे। तो नारद बोले शादी, अरे शादी भैया हमें क्या लेना देना, हम काय को कहेंगे शादी हो या शंकर जी को, ये बहू मिलेगी उन्हें मिलेगी हमें क्या करने। देखकर भोले बाबा के बारे में तो कह सकते हैं, कहा शंकर जी के बारे में। नारद बोले मैं ना, नारद ने एक बड़ा बढ़िया बात कही मैना से, बोले मैना बोल रही हो तुम, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो स्वयं शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आए। और नारद बोले मैना से, मैना सुनो, दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की समता पाई जाए, और सुअर को इतना और भाग्य का जो वो खीरी हवन की खाई जाए। जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, ऐसे भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। एक बात सुनो बेना, पूछ लई